स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आत्मविश्वास, अपने पे श्रद्धा, भगवान पे श्रद्धा, यही महानता का एकमात्र रहस्य है। और भले तुम्हें 33 करोड़ देवी देवताओं पे विश्वास हो, मगर खुद पे विश्वास नहीं है, असफलता तभी होगी। पूरे संसार का इतिहास उन चंद लोगों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। दोस्त, जीवन के उस बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे विश्वास करना होगा। जैसे कि जोसेफ मर्फी की बुक बिलीव इन योरसेल्फ, ऑथर इस बुक में कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने बाहर की दुनिया को जीतना है या कुछ भी पाना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर की दुनिया जीतनी होगी, और अपने अंदर की दुनिया जीतने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। और दोस्त, इस वीडियो के एंड होने तक मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं होगी। दोस्त, दो बच्चे रोज एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलते थे, एक की उम्र 7 साल और एक की 10 साल। और एक दिन बच्चे खेलते खेलते गाँव से दूर एक कुएं के पास आ गए, जहाँ एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल थी, खेलते हुए उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में जा गिरा। और जैसे ही वो कुएं में गिरा वो चिल्लाने लगा, और 7 साल का दूसरा बच्चा घबरा गया और फिर वो मदद के लिए इधर से उधर भागा, पर मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। पर अचानक से वहाँ उसे एक बाल्टी दिखी जिसमें एक रस्सी बंधी थी। बिना कुछ सोचे वो 7 साल का बच्चा उस बाल्टी को नीचे कुएं में फेंक देता है, और वो 7 साल का बच्चा अपने 10 साल के दोस्त को बचाने के लिए पूरी जान लगा देता है और अपने दोस्त को बचाने में सफल हो जाता है। मगर उन बच्चों को डर था कि अब ये बात घर पे सबको कैसे बताएंगे, पर उन्होंने डरते डरते ये बात गांव में सबको जाके बताई। पर जब ये बात उन्होंने बताई तब वहाँ किसी को भी इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि कैसे एक 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को अपनी ताकत से एक गहरे कुएं से खींच लाया। किसी ने इनकी बात पे विश्वास नहीं किया सिवाय एक के, जिन्हें गांव में करीम चाचा के नाम से बुलाया जाता था, और वो गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक थे। जब पता चला कि करीम चाचा ने उन बच्चों की बात पर विश्वास कर लिया है तो सारे गांव वाले उनके पास पहुंच गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को ऊपर खींच लिया। तब करीम चाचा ने मुस्कुराया और बोला, बच्चा बता तो रहा है कि उन्होंने कैसे किया, रस्सी ली, कुएं में डाली और बच्चा बाहर आ गया। पर गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराए और फिर बोले, सवाल यहाँ ये नहीं है कि उस बच्चे ने ये कैसे किया, सवाल ये है कि ये कैसे हो पाया। उन्होंने बोला कि जब ये बच्चा ये काम कर रहा था तब उसके आसपास ऐसा कोई नहीं था जो इससे कहता कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि उस बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि ये काम मैं कर सकता हूँ और ये काम मुझे करना होगा, और उस बच्चे ने कर दिखाया। दोस्त, दुनिया में बड़े से बड़े कारनामे हो गए जिसे नॉर्मल लोगों की भाषा में इम्पॉसिबल कहते हैं। दोस्त, ऐसा क्या था कि एडिसन 10,000 बार फेल होने के बावजूद बल्ब बनाने में कामयाब हुए। कैरली, जिनके एक हाथ में बॉम्ब फट गया, उस बंदे ने अपने लेफ्ट हैंड से लगातार 3 साल ओलंपिक जीता। ऐसा क्या था एपीजे अब्दुल कलाम जी में, जो उनके हुए मिसाइल फेलियर के बाद अगले 1 साल के अंदर रॉकेट लॉन्च करके इतिहास रचा। ऐसा क्या था, वो था उनका आत्मविश्वास जो उन्हें एक बार और कोशिश करने के लिए ताकत दे रहा था। अपनी हार के बावजूद दोस्त, वो अपने मन में अपनी जीत को देख पा रहे थे। ये सब लोग ऐसा कर पाए क्योंकि उनको खुद पर विश्वास था। दोस्त, अगर तुमने अपनी आत्मविश्वास की ताकत को पहचान लिया तो इम्पॉसिबल वर्ड भी चीख के बोलेगा, दैट आई एम पॉसिबल। इस वीडियो को लास्ट एक लाइन में खत्म करना चाहूंगा, माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहां मना है। तो चलो और फोड़ दे आज से, जय हिंद जय भारत। दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल फ्लाइट के साथ। टिल देन, बाय बाय।